हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एवन क्लासेस बाय डीके सर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो त्रिभुज चैप्टर है उसके विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले त्रिभुज चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले त्रिभुज चैप्टर की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिंगल, ठीक है। तो वो त्रिभुज कहते किसे हैं, देखो त्रि माने क्या होता है आपका, तीन। त्रि माने क्या होता है, तीन। और जो भुज होता है, भुज माने क्या होता है, भुजाएं। क्या होता है, भुजाएं, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। क्या हों, तीन भुजाएं हों। और तीन भुजाएं इस प्रकार हो कि तीनों भुजाएं आपस में क्लोज हो, क्या हो, बंद हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिभुज। जैसे यहाँ पे हमने एक आकृति बनाया है ए बी सी, तो यहाँ पे देखोगे आप ए बी एक प्रकार की भुजा है, बी सी आपकी एक प्रकार की भुजा है, ए सी आपकी एक प्रकार की भुजा है। तो अभी कितने भुजा है आपके पास, वन टू थ्री, थ्री भुजा है, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। समझ में आया। तो अगर त्रिभुज की परिभाषा की बात की जाए तो बोलेंगे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में आप पता होना चाहिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं। कितने भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होते हैं। तीन आपके कोण होते हैं, क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। और आपके यहाँ पे तीन शीर्ष होते हैं, तीन क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। जैसे यहाँ भुजा की बात की जाए तो भुजा यहाँ पे देखो ए बी एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा क्या आपकी बी सी, तीसरी भुजा क्या है ए सी। ये आपकी क्या हो गया, भुजा हो गया। कोण की बात करें तो एक देखो एक कोण ये है आपका, एक कोण ये, एक कोण ये, कितने कोण है यहाँ पे, तीन। तो ये क्या, एंगल ए पहला कोण, एंगल बी दूसरा कोण, एंगल सी आपका तीसरा कोण। तीन शीर्ष की बात करें तो तीन शीर्ष यहाँ पे आप देख रहे हो, एक शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा शीर्ष सी है। तो यहाँ पे तीन शीर्ष हो गए ए बी और ये आपका सी। कितने शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष हो गए, ठीक है। तो ये आपके त्रिभुज में इतने कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जैसे आप देख रहे हो ए बी बी सी और ए सी, तीन भुजा हो गए। तीन कोण दिख रहे हैं, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीन शीर्ष तो आपको दिख रहे हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे इस त्रिभुज को हम प्रदर्शित करने के लिए, जैसे आपके त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज जो छोटा सा है ये त्रिभुज का निरूपण करने का चिन्ह होता है, जिसको डेल्टा भी कहते हैं। तो ऐसे आप त्रिभुज को क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे, त्रिभुज के क्या है, प्रतीक हैं। अब यहाँ पे हम बात करें त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है, जैसे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है आपका 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार, क्या देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो बताना है आपको दो प्रकार का, ठीक है। देखो यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार की बात करें हम, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है भुजाओं के आधार पर बांटा गया, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका कोणों के आधार पर, दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर। अब यहाँ पे देखेंगे भुजाओं के आधार पर आप कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन, पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है बेटा, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपके भुजाओं के हिसाब से बांटा गया। कोणों के हिसाब से भी कितने होते हैं, कोणों के हिसाब भी तीन होते हैं। पहला आपका क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, पहला क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, ये पहला हो गया।
दूसरा आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है बेटा, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपका कोणों के हिसाब से है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो त्रिभुज के प्रकार हो जाते हैं, टोटल कुल मिला कितने हो जाते हैं, छः। टोटल त्रिभुज कितने हो जाते हैं, छः प्रकार से, ठीक है। पहला आपका भुजाओं के आधार पे बांटा गया, दूसरा आपके कोणों के आधार पे, कोण के देख के बताया गया तीन प्रकार, और भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार हो गए। भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। फिर कोणों के आधार पे कितने बांटे गए, तीन, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके आगे हम लोग इन सबको समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देखो देखो, समबाहु इससे मतलब समबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी बाहु माने होते हैं भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उससे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। जैसे ये ए बी सी, ठीक। अब ए बी सी में देखो, ए बी भी आप, ए बी किसके बराबर हो, बी सी के, और बी सी किसके बराबर हो, ए सी के। तो यहाँ पे कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उससे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे आप देखो, ए बी, बी सी और ए सी तीनों बराबर होगा, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे अगर ए बी आपका तीन सेमी है, तो बी सी भी आपका तीन सेमी होगा, और ए सी भी आपका तीन सेमी होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। फिर इसके बाद समबाहु त्रिभुज के बाद आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते, समद्विबाहु नाम से पता चल रहा है कि ऐसे त्रिभुज, ठीक है, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा अलग हो, असमान। देखो सम माने समान हो, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, केवल दो भुजा क्या हो, बराबर हो, एक भुजा अलग हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पे अगर ये पाँच सेमी का, ये भी पाँच सेमी का, तो ये आपका इससे अलग होगा। जैसे मान लो ये आठ सेमी का होगा, कितने सेमी का होगा, आठ सेमी का होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल दो भुजा बराबर हो, जैसे आप ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और ए सी डज नॉट इक्वल हो किसके, बी सी के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर इसके बाद हम तीसरा आपका क्या बताया था, तीसरा हमने बताया था आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अभी हम भुजाओं के आधार पर पढ़ रहे हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग हो, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे हम यहाँ पर बनाए, अगर ये मान लो तीन सेमी, या कोई दो सेमी, ये पाँच सेमी, तो यहाँ पर तीनों भुजाएं क्या अलग अलग हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बी डज नॉट इक्वल होगा बी सी की, और बी सी डज नॉट इक्वल होगा किसके, ए सी की, जिसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। फिर इसके बाद आपका, ठीक है, ये आपका भुजाओं के आधार पर हो गया। फिर इस कोणों के आधार पर क्या बताया था, पहला न्यून कोण त्रिभुज, क्या बताया था, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समझो। तो अब हम कोण के हिसाब से देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण, कोण को देख के हम बताएंगे। जैसे आप ये कोण, एक ये कोण, और एक आपका ये कोण, तो यहाँ पे तीनों कोण क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब होता है जीरो डिग्री से बड़ा हो, और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। जो आपका कोण हो, यानी कि जो आपका थीटा हो, वो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीनों कोण क्या होगा, न्यून कोण, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। थीटा का जो मान हो, यानी कि जो कोण का मान हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों कोण क्या है आपके, न्यून कोण हो गए, ठीक है। यानी कि ये भी कोण 90 अंश से कम होगा, ये भी कोण 90 अंश से कम होगा, ये भी कोण आपका 90 अंश से कम होगा, जिसे हम बोलेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका अगला आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण नाम से ही पता चल रहा है भाई, समकोण, बोलेंगे ऐसा त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज की जगह, जैसे मान लिया यहाँ पे आप ट्रायंगल बना,
अब यहाँ पे आपका एक कोण क्या रहे, समकोण रहे, एक कोण क्या रहे, समकोण रहे, जिसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब होता है आपका एक कोण क्या रहे, एक कोण आपका 90 डिग्री का रहे, ये आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बी आपका क्या है, समकोण है, समकोण माने क्या होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एक कोण आपका 90 डिग्री का है और दो कोण आपका क्या है, न्यून कोण, इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण कितने डिग्री का रहेगा, अब 90 डिग्री का, ठीक है। समकोण मतलब ही होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन सीधी खींची, इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बाद फिर आपका अगला आता है अधिक कोण त्रिभुज। फिर क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज कैसे कहते हैं, अब इसमें अधिक कोण मतलब होता क्या है, देखो बेटा अधिक कोण मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण, एक कोण क्या हो, अधिक कोण, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। इसे यहाँ पे देखो ये कोण आपका क्या, अधिक कोण, अधिक कोण मतलब होता है बेटा जो थीटा का मान हो वो क्या हो, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे जो आपका कोण आएगा ये कोण क्या होगा, आपका अधिक कोण होगा। अधिक कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं आपको बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आपका जो क्यू कोण है वो आपका क्या, अधिक कोण त्रिभुज है। तो टोटल त्रिभुज कितने प्रकार के होगा, यहाँ पे 6 प्रकार से, ठीक है। फिर से समझते हैं, पहला आपका समबाहु त्रिभुज, पहला आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। चौथा आपका क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। पांचवा आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। छठवा आपका क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। टोटल कितने प्रकार के हो गए त्रिभुज, 6 प्रकार से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक्स वॉच।